नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सिद्धू ने दिया बीजेपी से भी इस्तीफा। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने की पुष्टि। कहा, पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं सिद्धू। नवजोत ने आम आदमी पार्टी की भी की तारीफ। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर लोकसभा में भारी हंगामा। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा, छेद वाली नाव पसंद है तो पानी को जिम्मेदार ना ठहराएं। बापू का हत्यारा। आरएसएस वाले बयान पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कहा, माफी मांगो वरना मुकदमे का सामना करने के लिए हो जाएं तैयार। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अब देश में कहीं भी ट्रांसफर हो सकेंगे जम्मू कश्मीर के केस। रणबीर बैनल कोड में अभी नहीं है ये प्रावधान। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का बीजेपी सांसदों को फरमान। कहा, आजादी की 70वीं सालगिरह पर तिरंगा यात्रा निकाले सांसद। लोगों के बीच जाकर सरकार की गिनाए उपलब्धियां। बिहार के औरंगाबाद में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। बारूदी सुरंग विस्फोट में कोबरा बटालियन के 10 जवान शहीद। गोलीबारी में 6 नक्सली भी ढेर। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के बाद हिंसक हुआ आंदोलन। धोराजी में प्रदर्शनकारियों ने फूंकी 2 सरकारी बसें। 11 जुलाई को कथित गोरक्षकों ने की थी दलितों की पिटाई। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, जिन्होंने सोमवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि सिद्धू बीजेपी से भी इस्तीफा दे देंगे। इन अटकलों पर विराम लगाते हुए सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने साफ कर दिया है कि राज्यसभा से इस्तीफा यानी बीजेपी से भी इस्तीफा। सिद्धू की पत्नी ने उनके इस्तीफे के पीछे कोई स्पष्ट वजह तो नहीं बताई है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि सिद्धू चाहते हैं कि बीजेपी पंजाब में अकाली दल से अलग हो जाए। उन्होंने कहा कि सिद्धू अभी पंजाब की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें राज्य से बाहर रखने का कोई मतलब नहीं था। जनता जिस पार्टी को चुनेगी वह उसके साथ सेवा करेंगे, नेतृत्व से मतलब नहीं है। बीजेपी में अपनी स्थिति के बारे में नवजोत ने कहा कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है और वह अभी भी अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस दौरान नवजोत कौर ने आम आदमी पार्टी की भी तारीफ की। नवजोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक नए विकल्प के तौर पर है। आपको बता दें कि ऐसी चर्चा है कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और इसका औपचारिक ऐलान जल्द किया जा सकता है। वहीं इस मुद्दे पर केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी वजह से उसके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। लोकसभा में आज उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर किसी ने लोकप्रिय और चुनी हुई सरकारों को हटाने का काम किया है तो यह कांग्रेस ने किया है। सिंह ने कहा कि उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के हालात कांग्रेस के अंतर्कलह से पैदा हुए थे। कांग्रेस को छेद वाली नाव पसंद है, ऐसे में नाव डूबने के लिए पानी को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सिंह ने कहा, खुद की गलती के लिए हमें ना कोसे। राजनाथ सिंह के इस बयान से नाराज कांग्रेस सदस्यों ने सदन में जोरदार हंगामा किया और वो वॉकआउट कर गए। और अब अगली खबर राहुल गांधी से जुड़ी। मानहानि के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि या तो खेत जताइए या फिर मुकदमे का सामना करे। कोर्ट ने यह टिप्पणी राहुल गांधी के एक बयान पर दायर मानहानि के केस की सुनवाई करते हुए की। दरअसल राहुल ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को इस बात का सबूत देना होगा कि यह बयान जनहित में दिया गया। केस का फैसला मेरिट पर होना चाहिए कि यह बयान आम लोगों के हित में था या नहीं। कोर्ट ने कहा कि आप पूरे संगठन को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में 27 जुलाई तक विस्तार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। और अब अगली खबर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने जम्मू कश्मीर से जुड़ा अहम फैसला दिया है। पीठ ने फैसला दिया है कि राज्य के केस देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर हो सकते हैं। वहां अभी तक यह प्रावधान नहीं था। जजों की पीठ ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि सबको न्याय पाने का अधिकार है। अगर कोई किसी दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वो एक तरह से न्याय पाने से वंचित है। जजों ने निर्देश दिया कि इस हालत में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 के तहत अधिकार है कि वो सभी को न्याय दिलाए। सीआरपीसी की धारा 25 का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि ये धारा कहती है कि देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रणबीर पैनल कोर्ट आरपीएस में ये प्रावधान नहीं है।
इसीलिए केस ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई। इस दौरान पीएम ने आजादी की 70वीं सालगिरह पर बीजेपी सांसदों को मोदी मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वह अपने संसदीय क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा निकाले और जनता को सरकार की 70 उपलब्धियां गिनाए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा यात्रा के लिए तिरंगे की साइज को लेकर भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा 8 फीट का होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही 70 उपलब्धियां तलाशने के लिए जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सांसदों की कमेटी का गठन किया है। यह समिति पूरी रिपोर्ट बनाकर सभी सांसदों को भेजेगी। पीएम ने कहा कि यह देश के गौरव की बात है और इसमें दूसरे दलों के सांसदों को भी शामिल होना चाहिए। और अब अगली खबर बिहार से, जहां औरंगाबाद में कल बड़ा नक्सली हमला हुआ। इस नक्सली हमले में मुठभेड़ के दौरान आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 10 कमांडो शहीद हो गए, जबकि 5 घायल है। सभी कमांडो कोबरा बटालियन के थे। मुठभेड़ में 6 माओवादी भी मारे गए हैं, जिनमें से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। औरंगाबाद के सोनदाहा में कोबरा बटालियन के जवानों और नक्सलियों के बीच दोपहर मुठभेड़ शुरू हुई थी। देर रात मुठभेड़ खत्म हो गई और मंगलवार सुबह तक सर्च ऑपरेशन चला। दरअसल सोमवार को सुरक्षा बलों को माओवादियों की गतिविधि को लेकर खुफिया जानकारी मिली थी। इसमें कहा गया था कि बिहार और झारखंड के शीर्ष नक्सल नेता सोनदाहा के जंगल में इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। वहीं मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने नक्सलियों और सीआरपीएफ के मुठभेड़ में 10 जवानों के शहीद होने पर गहरा दुख जताया है। और अब अगली खबर गुजरात से, जहां दलित अत्याचार मामले ने हिंसक रूप ले लिया है। सौराष्ट्र के कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। जामनगर में देर रात लोगों और पुलिस में हिंसक झड़प हुई। जामनगर के शंकर टेकरी इलाके में पुलिस ने हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान राज्य परिवहन की बस भी भीड़ का शिकार बनी। भीड़ ने चलती बस पर पथराव किया, जिसमें बस ड्राइवर और यात्री जख्मी हो गए हैं। राजकोट जिले में जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। सबसे पहले राजकोट के धोराजी में 2 सरकारी बसों को फूंक दिया गया। आपको बता दें कि 11 जुलाई को ऊना में 4 दलितों को कार से बांधकर सरेआम उनकी पिटाई की गई थी। दलितों की पिटाई का आरोप शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगा था। इन दलित युवकों पर आरोप था कि ये मरे हुए पशुओं की खाल उतार रहे थे। इसके बाद ऊना में 4 दलितों पर हुए अत्याचार के विरोध में एक साथ 7 लोगों ने सामूहिक तौर पर खुदकुशी की कोशिश की थी। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया था। इसके बाद पुलिस ने दलितों की पिटाई के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीआईटी को सौंप दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।